अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक रहे होंगे। फिर आपके लिए कोई शानदार वीडियो लेके आए। तो सबसे पहले बात करें कि आप देख सकते हैं हमारी सारी बकरियाँ, आप सामने देखते हैं बिल्कुल वाइट वाइट सारी बकरियाँ बिल्कुल वाइट में हैं, कुछ ब्लैक कलर में स्पॉट्स है देख सकते हैं इस बकरी के ऊपर। प्योर सोजत बकरियाँ आप देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक शानदार। कुछ देसी बकरियाँ हैं, कुछ इसमें सिरोही में नहीं है, इसमें गोजरी में है। आप देख सकते हैं पीछे स्पोर्ट्स में है, थोड़ा का हल्का दाग है पीछे देख सकते हैं, जो अभी लोडेड है, 2-2.5 महीने की लोडेड है, प्रेग्नेंट बकरी है। जो अभी देख सकते हैं 5 से 6 महीने में बच्चे देती है, तो ये भी 2-2.5 महीने की लोडेड है। और दूसरी बात करें तो हमारे पास एक ये बकरी और लोडेड है, ये भी 51 है। और अभी इनका क्या 10 बजे का समय है, तो अभी इनका हरा चारा खाने का समय है, तो अभी हरा चारा खा रही है। जो बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे जो खेतों के, तो अभी क्या हरा चारा हो चुका है, आप देख सकते हैं बारिश हो चुकी है, तो हरा चारा काफ़ी काफ़ी हो चुका है आप देख सकते हैं। तो अभी अभी हम परचेज़ करके नहीं ला रहे, खेतों के अंदर से ही लेके आ रहे हैं। हम देख रहे हैं आप देख, फुल हरा चारा हो चुका है, तो हम इधर से ला के इनको भी डाल रहे हैं, तो वो भी ये देख सकते हैं शौक से हरा चारा ये खा रही है। तो दूसरी बात करें तो लगभग हमारे सब्सक्राइबर को हमारी सोजत बकरियाँ और मतलब बकरियों के वगैरह गायों भैंसों के अंदर यही पता होगी, कि हमारे पास कुछ कबूतर वगैरह भी हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। देखते हैं ये कुछ मुर्गियाँ रखी हुई है हमने, ये असल मुर्गा, ये देसी मुर्गी, ये बिल्कुल असल मुर्गी में, तो ये भी अंडे दे चुकी है, तो ये भी कूड़ा खोद चुकी है, तो इसलिए ये भी ऐसे कर रही है बैठी है, तो ये दे दे जाएगी। और हमारे कुछ कबूतर भी आप देख सकते हैं सारे अंदर बैठे हुए हैं, ये कबूतर है हमारे पास, ये कबूतर है, और इनके बच्चे सारे सेल हो चुके हैं, सिर्फ बड़े ब्रीडर जो है कबूतर बच्चे हुए वही है, सब ब्रीडर है, बच्चे एक भी नहीं, बच्चे सारे सेल हो चुके हैं। और अभी हम इसके अंदर जो इंक्लूड करने वाले हैं, तो अभी आप देख सकते हैं पूरे वाइट नहीं, एक हल्का से ये दाग है, बाकी पूरा वाइट है, और बाकी कोई भी वाइट नहीं है। तो हम अब इसके अंदर इंक्लूड करने वाले बिल्कुल वाइट कबूतर, जो हम परचेज़ करके लेके आने वाले, तो इसमें वाइट इंक्लूड करेंगे। और फिर हमारी बड़ा, जैसे आप देख सकते हैं बड़ा फार्म है, दोनों तरफ से फार्म बनाया हुआ है, तो एक तरफ तो की हमारी बकरियाँ होती है वो रहती है, जैसे इधर एक खुला रहेगा तो अभी दिन में अभी देखते हैं तो भी हल्के धूप है, अभी तो आराम से खा पी रहे हैं। फिर ये धूप ख़त्म हो जाएगी जब, जैसे धूप ज़्यादा बढ़ जाएगी 10 समय, तो अभी धूप हल्की है, तो अभी हल्की हल्की तो धूप थोड़ी देर बढ़ जाएगी, तो इन सारी बकरियों को अंदर आके बैठ जाएगी, छाइयों के अंदर बैठी रहेगी, शाम को 4 बजे बाद इसको वापस हरा चारा डाल दिया जाएगा और इनका खान पीन ख़त्म। और थोड़े हल्के सुबह सुबह फलका डाल देते हैं, फिर उसके बाद फिर पानी पिला के फिर इनको हरा चारा हम डाल देते हैं। तो अभी शाम को 4 बजे के आसपास हरा चारा और डाला जाएगा, ताकि इनका शरीर जो अभी मेंटेन है और मेंटेन रहेगा और अच्छा बना पाएंगे। तो अभी दाने वगैरह सब बंद कर चुके हैं, सिर्फ हरा चारा फलगट वगैरह ही खा रहे हैं। तो ये अभी देख सकते हैं बिंगन वगैरह पड़ी है, तो इनके अंदर इधर छाए अंदर बैठी रहती है, दोनों तरफ बिल्कुल छत के ऊपर है आप देख सकते हैं, तो ये हवादार आती रहती है और इनकी गर्मी वगैरह फील नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करता कि हमारा आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।